मुझे इस जायंट की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हें एक माँ की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये सब करण की वजह से। अब मुझे समझ आया कि उसके कहने का क्या मतलब था। जाने से पहले उसने अपना अहम हिस्सा यानी कि अपने पंख उसने मुझे दे दिए थे। जब भी ऊपर उठना चाहोगे, जान को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। अब मुझे पता चला, वो जो कहता था, जब भी कूदना चाहोगे, आसमान को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। वो मेरे साथ है भैया। मैं भी यही चाहती थी अंश, कि तुम्हें अपनी इस शक्ति का एहसास हो जो करण तुम्हें देके गया है, इसीलिए बार बार तुम्हें कूदने पे मजबूर कर रही थी। जानते हो करण के ये पंख तुम्हें क्यों मिले? ताकि मैं इन्हें तुमसे छीन सकूं। से बताया नहीं? क्या बताना था? आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया पतिदेव जी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे कैसी बात कर रही हैं? आपसे छुपाएंगे हम? आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। वो खाली पंगा ही हो गया कि हमारे दिमाग से ना फिसल गई बात। एक्चुअली कहा है कि वो कन्नौज वाली मौसी जी आ रही है आज। आपकी मौसी जी आ रही है? जी मौसी जी आ रही है। आप भी नीचे आ जाइए जमीन पे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ, वो कहा है कि हमारी जो मौसी है ना, वो थोड़ी सी झक्की और सक्की टाइप की है। नमन? अरे अम्मा, हम समझा रहे हैं, हमको डील करने दो हमारे हिसाब से। अब प्रॉब्लम ये है ना सनम जी, कि उनके सामने ये सब नहीं चलेगा।
मतलब कि ये हवा में उड़ना, उल्टा लटकना, ही करके हंसना, मतलब उनके सामने आपको ना थोड़ा सा सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न बहू की तरह आपको बिहेव करना है। वो तो इतना तो आप कर सकती हैं हमारे लिए, है? अपने कंचा पति के लिए। पर ज्यादा नहीं, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में वो चली जाएंगी। बस उनको ये पता ना चले कि आप मतलब चुड़ैल हैं। करेंगी ना प्लीज? वो तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमको पता था, हम नहीं बोल रहे थे अम्मा कि देखना सनम जी मान जाएंगी। मान गई, बस तरीका आना चाहिए अम्मा। जी जी। छोटी, हम कनौज से मुंबई तक यहाँ आ गए और तुम लोगों से दरवाजे तक नहीं आया जाता। हुँ? अरे पहले अपनी जीजी से गले तो मिल ले। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। मौसु जी खुश रहो बेटा, खुश। जीजी आपकी बहू को देखने की इतनी खुशी थी ना, इतनी खुशी कि क्या बताऊं। लेकिन जीजी आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है आपकी बहू? अरे अरे अब कौन है जो हमारे मुंह पे आशीर्वाद ले रही है? अरे नहीं नहीं, अरे मौसी जी यही तो है हमारी धर्म पत्नी, हमारी मिसेस सनम। जी जी तो ये है आपकी बहू? हाँ यही है। हाय राम, ना आंखों में शर्म, ना सर पे पल्लू, ना पाँव में बिच्छू, ना लाज ना लिहाज। जी जी देखो तो कैसे मौसरी सास के सामने सर उठा के खड़ी है। तो सर झुका के खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। क्यों गुस्सा हो रही है छोटी? गुस्सा नहीं करूं तो क्या नाचूं? तेरी दोनों आंखें फ्यूज हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरी बहू बिना घूंघट के सारे घर में घूमे। अभी खा जाऊं कैसे? नहीं 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 नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाओ। हाय हाय देखो तो कैसे घूर रही है हमें, जैसे कि हमें खा जाएगी कच कच करके। अरे मौसी कहाँ है आइडिया दे रही हो? क्या? नहीं नहीं मौसी कुछ नहीं, मौसी तुम देखो कहाँ है, सफर से आई हो, बहुत परेशान मतलब थक गई होगी, तो थोड़ा सा आराम चाहिए ना। एक काम करो, चलो चलो कमरे में चलो आराम करो। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस बेशर्म को कहो कि अपने सर पे पल्लू रखे और हमें घूरना बंद कर दे। ये देखो ये सर पे पल्लू भी है, ये देखो हमारी मिसिस कैसी लग रही है, ठीक है ना अभी मौसी? हाँ हाँ ठीक है जी जी। अब हम आ गए हैं ना, अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जाने से पहले तेरी इस बिगड़ेल बहू को ना अच्छी तरह से ठीक करके जाएंगे, देखना। वो तो भगवान ही जानता है कौन किसको ठीक करेगा।